तरीके से मान सम्मान दिया भाई। हो गया है यहाँ पे, लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है हमारे से। जी गुड आफ्टरनून आप सभी जाने को, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे। तो आप सभी जाने को गुड आफ्टरनून। और फाइनली हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ पे अपना साइकिल है और दादा का साइकिल, वो भी बंद गया है, अपना भी रेडी हो गया एकदम। और ये था कबीरदास जी का आश्रम जहाँ पे हम लोग रुके थे 2 दिन तक। और आज हम जाने वाले पटना वाले रूट पर, ये कुछ स्वामी जी हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं और आप सभी को भी मिलाते हैं। तो अब तक ब्लॉग में धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी अब की बरसात में फिल्म लगाना साहब। यहीं पे ही थे और मैं आपको बताया था कि स्वामी जी हमें मिले थे और स्वामी जी ने हमें इस तरीके से, यहाँ के जितने लोग हैं ना उनमें हमें इस तरीके से मान सम्मान दिया भाई, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम तो सोचे नहीं थे कि हमें कहीं भी जाते हैं ना तो इतना प्यार मिलता है, क्या बताया। ऐसे ही बनारस में भी आए, बनारस में हमें यहाँ पर मठ में आए थे, वहाँ भी हमें बहुत प्यार मिला। और क्या क्या मिला वो आपको बताएंगे, क्या क्या दिए, वो बहुत सारा चीज़ दे दिए खाने का। उससे पहले हम स्वामी जी से मिलाते हैं और यहाँ के मठ में रहते हैं उन भाई से भी मिलाते हैं। तो ये है हमारे स्वामी जी। स्वामी जी, मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ मूल गादी से बनारस। जी, ये है हमारे उमेश स्वामी जी हैं। तो बाकी स्वामी जी ने हमें बहुत सारे खाने का चीज़ दिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमें इस तरीके से मान सम्मान किया ना भाई, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद स्वामी जी। बाकी ये है यहाँ के जो काम का, यहाँ पे मैट में विद्यार्थी लोग हैं, उधर भैया भी है। हम पूछते हैं स्वामी जी से कि स्वामी जी हमें और हमें कुछ सिखाइए और हमारे आने जो व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ बताइए आप। जी सिखाना क्या है, हम तो आपसे सीख रहे हैं। अरे रे। और सीखना ये है कि वास्तव में जीवन जिसे हम हमेशा यात्रा कहते हैं जी, वो यात्रा है। तो एक जो सीख आप सबसे मिली वही मैं सबसे साझा करता हूँ। आप उम्र में बहुत कम हैं, 24 साल के हैं, आप 26 या 28 साल के हैं। इस उम्र में आप जिस तरह का मैसेज लेके आगे जा रहे हैं उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं और आप सफल होते रहें, आगे जाते रहें। धन्यवाद। जो भी जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए कोशिश करें, आपकी तरह बस यात्रा पर निकल पड़े, यही मेरा कहना है, यही आप सबको संदेश है। कभी जीवन में निराश ना हो। बिल्कुल। अगर कभी कुछ निराशा आती है तो उसे धीरे धीरे हटाएं, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अपना कर्तव्य करते रहें, फल तो वो देगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, दिल से धन्यवाद स्वामी जी, आप इतने ज्ञान वाली बात बताएं। बाकी हमारे और एक स्वामी जी आए, स्वामी जी आपका नाम? कृष्णदेव स्वामी जी अभी जस्ट आए हैं, तो फिर हम ले लिए कि आ जाओ आप भी तुरंत इधर क्योंकि जरूरी है। ये सब हैं जी, हमें यहाँ पे रुके तो इतना प्यार, इतना मतलब इज्जत दिए, हमें क्या बताएं भाई, नेक्स्ट लेवल। और तब तक आप सभी जनों को दिल से धन्यवाद, आपको मिलेंगे कभी और आप सभी को हम इनवाइट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वेलकम टू छत्तीसगढ़। ठीक है स्वामी जी। अरे बिल्कुल। तो गाइस आपको मिलते हैं थोड़ा देर में। आप लोग ब्लॉग, हम लोग निकल गए हैं सारनाथ जाने के लिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है सारनाथ, कुछ चीज़ देखने के लिए है सारनाथ में, तो सब चीज़ आपको दिखाएंगे। बाकी यार बहुत अच्छा लगा यार, हम थे अभी आश्रम में, कबीर जी के आश्रम में, संत कबीर जी के आश्रम में 3 दिन तक थे भाई, 2 दिन तक वहीं रुके थे, खाना पीना सब सुविधा बढ़िया भाई, और इतना सम्मान के साथ हमें वहाँ से विदा किया गया, उसके लिए तो दिल से धन्यवाद उमेश स्वामी जी को। तो आप सभी को मिलते हैं हम सारनाथ। पहुंच गए सारनाथ और यार आते समय तो आते आते आए तो, और फाइनली सारनाथ पहुंच गए। और हमें जहां रुके हैं ये है आश्रम, है क्या बोलते हैं बुद्ध वाला, बुद्ध टेंपल, क्या नाम है आश्रम का दादा? धम्म शिक्षण केंद्र सारनाथ वाराणसी। और यहाँ पे ना पूरा जो बुद्धिदम है ना, बुद्ध है का उनका मतलब स्कूल है, क्लास है, बच्चे लोग रहते हैं और ऊपर में भी रहते हैं और नीचे में हमें रूम मिला है, तो रूम आपको बाद में दिखाएंगे शाम को। हम अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, जो इधर पे टेम्पल, बहुत सारा टेम्पल है बुद्ध का और बहुत सारा और टेम्पल है, उनको घूमेंगे और आप सभी को भी घुमाएंगे, दिखेंगे कैसा है क्या है। और बाकी हम आप सभी को एक पर्सन से मिलाते, हमारे छत्तीसगढ़ का भाई है, वो भी निकला था ऑल इंडिया राइड में, वो 1 महीने पीछे था मेरे, लेकिन मेरे को यहाँ पे मिल गया, आ गया मेरे साथ ही आ गया। तो ये है अपने साहू जी, और साहू जी देखो गाइस, ये है अपना साहू जी, और साहू जी निकले थे, कब निकले थे आप? 8 मई
8 मई को निकले थे और मैं मार्च में निकला था। मैं 26 मार्च को निकला था और ये 8 मई को निकले थे। मई में निकले ना, मैं मार्च में निकला था। तो पूरा बायोडाटा है इधर पे, बायोडाटा है पूरा। अपन दोनों छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया सब बड़े बढ़िया। दादा भी पुणे, लेकिन और दादा का एक लुक देखो आज थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब रवि कुमार हो गए हैं आज। पहले दादा थे, आज रवि कुमार हो गए। ये देखो, आई एम लूंगी डांस। तो बाकी हम लोग अभी जाने वाले हैं गाइस, हम लोग जाने वाले हैं। आप ब्लॉग में बने रहिए तब बताएंगे। हम लोग आ गए हैं। ये कौन सा टेंपल है यार? हाँ, ये टेंपल है। हाँ, कौन सा टेंपल है? वाट थाई टेंपल है सारनाथ का। सीधा चलते हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं, देखो सामने में है बुद्ध जी का बहुत बड़ा प्रतिमा, देख रहे हैं सामने में। और गार्डन है पूरा मस्त गार्डन, बढ़िया सा। और फूल बहुत ज्यादा है भाई, अंदर में देख रहे हो कमल का फूल है, ये देखो। देख रहे कमल का फूल पूरे जगह पे, और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा का वो, और ये है भाई गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा, और एक कमल के फूल में खड़े हुए हैं। इसे कमल का फूल बहुत ज़्यादा लगा है, देख रहे भाई साहब। सामने से धूप आ रहा है ना तो अच्छे से दिख नहीं रहा, इधर से धूप आएगा ना इस साइड से तो अच्छा दिखेगा। बहुत बड़ा प्रतिमा है। तो बाकी जी हम लोग आए हैं मंदिर में। हाँ, जब जन्म हुआ था ना उनका गौतम बुद्ध का जन्म होने के बाद, सामने है स्तंभ देख रहे हो ना, अशोक चक्र भाई बहुत सुंदर लग रहा है। और सामने तो नज़ारा देख रहे हो ना, पूरा नीला नीला खतरनाक बढ़िया। और इधर पे भी बुद्ध जी का टेंपल है उधर पे। क्या बोलते हैं, बुद्ध वाला जो टेंपल होता है ना उनका लुक ही कुछ अलग होता है, देख रहे हो ना ऊपर मंदिर का लुक कुछ अलग होता है। अभी हम चीनो वाला जो मंदिर है उसमें भी जाएंगे, यहाँ पे है वो। तो जी सामने का गौतम बुद्ध का मूर्ति देख रहे हो ना भाई, जो स्टैचू है ये है भाई 80। बाकी जी हम आए हैं म्यूजियम हॉल में, सॉरी, और यहाँ पे देखो टिकट काउंटर है भाई, और हम लोग का टिकट कट गया। यहाँ 5 रुपये है और एक जगह है ना वहाँ पे है 20 रुपये, तो हम लोग का तो हो गया। हम लोग जा रहे हैं अंदर, दिखा दे वो टिकट को। और ये है म्यूजियम हॉल, गार्डन है अंदर में, जाके देखते हैं। इसके बारे में पहले तो किसी को पूछ लेते हैं, उसके बाद आपको जा रहे हैं। आप सभी जने को, हम गए थे यार म्यूजियम हॉल में, अंदर देख रहे हैं बड़ा वाला म्यूजियम हॉल। और यहाँ पे ना मतलब बुद्ध जी का ना पूरा वहाँ पे, मतलब पुराने जमाने में जो जो पत्थर हैं, मतलब उन समय में पूरा पत्थर है ना, बलुआ पत्थर, वो सब एकत्रित है। वो सब ना जो बुद्ध जी के और कुछ कुछ हैं उनको सब का प्रतिमा वहाँ पे है, पत्थर हैं वो सब पत्थर ना, बलुआ पत्थर है। और भाषा का कैसे निर्माण हुआ था, भाषा किस सन में कब आया था, वो सब चीज़ है। तो थोड़ा बहुत मैं वीडियो वहाँ का अंदर का शूट किया हूँ, लेकिन अंदर मैंने वीडियो शूट नहीं करने दे रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई थोड़ा सा शूट किया है, थोड़ा सिनेमैटिक लिया हूँ, वो चेक कर लेना। लेकिन अंदर बहुत मस्त है, 5 रुपये भले वेस्ट हुआ, 5 रुपये टिकट है, यहाँ अंदर आओ तो।
₹5 भले वेस्ट हुआ लेकिन कोई नहीं, एसी का हवा मजा खाया भाई, मजा आ गया एसी का हवा खाने में। क्यों साहू जी? एसी का हवा खाने का। बाकी बहुत चीज़ वहाँ पे देखने के लिए, अगर आप आते हो ना यहाँ पे क्या बोलते हैं सारनाथ, तो एक बार यहाँ पे जरूर आना। ₹5 है ऑनलाइन टिकट है, ₹5 में आप अंदर घुस सकते हो, लेकिन मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड है, कैमरे से आप फोटो खींच सकते हो बस। बाकी एक उसका और एक म्यूजियम हॉल है, वहाँ भी जाते हैं क्योंकि वहाँ का भी अपन टिकट कटा लिया है, तो वहाँ चलते हैं आप लोग ब्लॉग में। दुकान में बाहर ही दुकान लगा हुआ है यहाँ के, तो यहाँ पे हम लिए हैं अपने साइकिल के लिए तिब्बत वाला झंडा, क्योंकि बहुत दिन से देख रहा था वाला झंडा, मेरे को मिला नहीं कहीं, तो फाइनली यहाँ मिले हैं। 3 लिए हैं, हो गया ना, बड़ा वाला नहीं, छोटा छोटा वाला निकाल। बड़ा है ना? ना छोटा ही है, बड़ा है ये, बड़ा ना ना, सेम है सेम है, छोटा छोटा निकाल, बड़ा नहीं, सबसे छोटा ये है, बड़ा है। हाँ और ये देखो, इसको क्या बोलते हैं भैया? सिंगी बोल। सिंगी, सिंगी बोल। एक लोग कोई बजा ले। कैसा बजाते हैं? अच्छा ऐसा बजता है क्या? हाल में आ गए और ये है म्यूजियम हॉल, और यहाँ पे ना गौतम बुद्ध ने पहली बार यहाँ पे लोगों को, जो उनके भिक्षु थे ना, उनको ज्ञान दिया था। और इनका जो निर्माण हुआ था ये पता नहीं, सारनाथ में जो ध्वनि एवं प्रकाश को लोक निर्माण मतलब उद्घाटन हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, और यहाँ के जो CM है योगी आदित्यनाथ ने किया था, और 9 नवंबर 2002 को किया गया था। और यहाँ पे ना सारनाथ का ये पूरा वर्णन किया गया है कि क्या क्या है, कैसा यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और ना यहाँ पे भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की थी, ये जगह है बौद्धम, बौद्ध संघ की स्थापना की थी। दिखाते हैं पुराना जमाना का है, और ये कौन सा सन में है, इनका सन है 100वां सन 1798 में। तो बाकी ये जितना देख रहे हो ना ईट रेड वाला है, ये सब है उसी समय का, सन 1798 में बौद्ध धर्म बौद्ध संघ का स्थापना हुआ था, गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था, ये सब उसी समय का है। और बहुत सारे और शासनकाल है उसमें बनाए गए, और वहाँ पे देख रहे हो ना वहाँ पे चक्कर लगाते थे बौद्ध धर्म में, यहाँ पे जो यहाँ पे शिक्षा लेते थे वो लोग, जैसे हम लोग शिवलिंग का चक्कर लगाते हैं ना वैसे ही वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं। और देखो वो कितना पत्थर से बना हुआ है पता नहीं। और भाई ये है अशोक स्तंभ, जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने 272 से 223 ईस्वी के द्वारा लगवाए गए स्तंभ है, जो 15.25 मीटर का है, टुकड़ा है यहाँ पे रखा गया है। देखो दिख रहने को होगा ग्लास से, लेकिन हम इधर से दिखाते हैं, देख रहे हो, ये है उसका टुकड़ा। जमाने के जो पत्थरें हैं, और यहाँ पे किला में जो यहाँ पे बना होगा ना, ये पूरा यहाँ पे है, देख रहे हो पूरा पत्थर है यहाँ पे। तो बाकी जी इसी स्तंभ का नाम बोल रहे थे, अरे स्तंभ का नाम प्राचीन नाम धर्म चक्र है, और ये स्तंभ का ऊंचाई है ना 39.05 मीटर ऊपर ऊंचाई है, और 1026 ईस्वी में ये सब बना है, बहुत पुराना है भाई, ऐतिहासिक जगह है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध के जो शिष्य और गौतम बुद्ध सभी भिक्षु लोग हैं ना, वो लोग यहाँ पे गोल ब्रह्मांड। गाइस गुड इवनिंग आप सभी जने को, हम आ गए रूम घूम घाम के, और अभी टाइम हो रहा है 7:30, और जिस जगह रुके हैं ना भाई वो जगह दिखाते हैं रूम को, हमें छोटा सा रूम मिला है यहीं पे। तो ये है अपना रूम, 2 बेड है और एक भाई का बेड है, नीचे में सोया है साहू जी, इधर पे सामान हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं सामान, उधर पे दादा काम कर रहा है, ये अपना वाला बेड है क्या, हवा बंद कर दें। और यहाँ पे बारिश हो रहा है बाहर में, और यहाँ पे बुद्ध जी का प्रतिमा है, देख रहे हो बढ़िया मस्त लग रहा है। और ये हॉल है, यहाँ पे बच्चे लोग खाना वाना भी खाते हैं, और पढ़ाई यहाँ खाना खाते हैं, ऊपर में इनका हॉल है, और ये पूरा रूम है बच्चे लोग का, यहाँ पे रहते इधर पे देख रहे हो ना, पूरा वहाँ तक रूम है। हमारा रूम नंबर 2 है, 2 से लेकर 10 तक रूम है यहाँ पे, 10-12 तक रूम है।
और तो बाकी यहाँ पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पे बढ़िया है, मस्त खाना पीना भी मिल रहा है और ऐसा फ्री है हम लोग का खाना पीना यहाँ पे। पैसा वैसा नहीं ले रहे, क्योंकि स्कूल में लगा ले रहे हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं ले रहे हैं। बाकी एक उत्तर तो बाकी आज हम लोग घूमने गए थे कहाँ पे, सारनाथ में। और सारनाथ में तो दो तीन म्यूजियम हॉल में गए थे, घूमे बढ़िया मस्त और बहुत अच्छा लगा घूमे। तो यार पहली बार इतना मतलब ऐसा जो बड़ा वाला जो टेंपल है ना, वो भी 80 फीट का पहली बार देखा हूँ बुद्ध जी का टेंपल, जो प्रतिमा लगा हुआ था, बढ़िया बहुत बढ़िया था और पुराने ज़माने का था, बहुत कुछ ऐसा था। आप लोग देखे होंगे वीडियो में। और वहाँ वीडियो अलाउड नहीं था, जो पहला म्यूजियम हॉल में गए थे वहाँ अलाउड नहीं था, लेकिन आपका भाई थोड़ा सा क्लिप सिनेमैटिक लिया है, वो चेक करना। तो वो कैसा लग गया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वाले ब्लॉग को हम एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय 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 हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। खुश रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना, और घर पे सेफ रहना गाइस। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।